ग्वालियर पुलिस कप्तान नवनीत भसीन ने बीते दिनों हुई क्षेत्र में चोरी की वारदातों का खुलासा किया तो वहीं चौकीदार की हत्या करने वाले आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस अधीक्षक जिला ग्वालियर नवनीत भसीन के द्वारा जिला पुलिस को सक्रिय किया गया एवं कई घटनाओं का खुलासा किया। इसी कड़ी में थाना कोतवाली जिला ग्वालियर पुलिस को भी सफलता प्राप्त हुई जब पंडित गुलाब मार्केट में दिनांक 18 मार्च को चोरी की वारदात के साथ ही चौकीदार मोतीलाल चौरसिया की हत्या की घटना घटित करने वाले आरोपी नंदकिशोर उर्फ भूरा पुत्र प्रकाश सखवार निवासी हनुमान गली लाल का बाजार थाना माधवगंज जिला ग्वालियर को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं इस चोर के पास 2 बड़े तांबे के कलश, 2 पीतल के कलश, 5 फनवाला, तांबे का 1 लोटा एवं 2 सिलेंडर, 1 सोने की अंगूठी, 3 चांदी के सिक्के की कीमत लगभग 33,000 रुपए, 2 सोने के टॉप्स मिले। पर्स चोरी किए गए जिन्हें थाने के द्वारा जब्त कर लिया गया। वर्ष 17 की है, प्रेस नोट के हिसाब से ही चलता हूं मैं। तो अपराध क्रमांक 49/19 है, इसमें एक टुल्लू पंप चोरी किया था और ये गगरे चोरी किए थे। तो इसको जो है प्रेस नोट पे हमने दिया है ये किन्ने रिपोर्ट की थी और ये चारों जो है चीजें, पांचों चीजें हमने इससे जब्त किया। 18380 इसमें ये पूजा की सामग्री और नाग देवता है, ये चोरी हुए थे, ये भी जो है हमारी टीम ने इससे जब्त किए हैं कोतवाली पुलिस ने। तीसरी है 198/18, ये भी 457-380 का अपराध था और ये लोहिया बाजार की ये चोरी थी। इसमें सिलेंडर 2 चोरी हुए थे, 1 सिलेंडर इसका दस्त मिल गया है, बरामद हो गया है। 1 सिलेंडर के बारे में हम इससे पूछताछ कर रहे हैं। अपराध क्रमांक ये वर्ष 17 का है, 312। इसमें जिन्सी वालों के बड़ा हुजरात रोड से इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें 3 चांदी के सिक्के, 3 सोने की अंगूठी वगैरह जो है चोरी हुए थे, ये भी जब्त हुए हैं। क्योंकि वो शिनाख्त का मटेरियल है इसलिए उसको जो है सामने प्रदर्शित नहीं किया गया, वह भी जब्त किया गया। 18 तारीख को जो गुलाब मार्केट में जो चौकीदार की हत्या हुई थी और वो चोरी के दौरान ही हुई, तो वह जो आरोपी जो है इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था वही जो है नंदकिशोर बोला और निखिल शाक्य है, माधोगंज क्षेत्र का रहने वाला है। इसको तब से जो है पुलिस कस्टडी में है, इसका 3 बार पुलिस रिमांड लिया गया क्योंकि ये चोरी के वारदात के दौरान घटना हुई थी, इसलिए इससे जो है चोरी के वारदातों के बारे में ही पूछताछ की गई थी, जिसमें जो है इसके द्वारा पूर्व में की गई 6 चोरियां जो है बताई गई थी और चोरी से संबंधित सामान भी हमें बताया गया था। उसके संबंध में श्रीमान SP महोदय द्वारा स्वयं जो है कोतवाली आकर पूछताछ की थी, हम लोगों को निर्देशन दिए थे, हाई टू प्रेस श्री तोमर साहब एडिशनल SP साहब द्वारा भी मुझे और TI कोतवाली को जो है निर्देशन दिया गया था। उस आधार पर जो है पुरानी चोरियों के बारे में से इंट्रोगेशन किया गया था जिसमें हमें 6 चोरियां जो है हमारे क्षेत्र की 5 है कोतवाली की और 1 माधोगंज क्षेत्र की, इस तरह 6 चोरियां जो है इसके द्वारा TI कोतवाली साहब द्वारा बरामद और उनकी टीम द्वारा बरामद की गई। लगभग ये 1.5 लाख रुपए समथिंग हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। इसमें कुछ चांदी के सिक्के भी हैं, कुछ सोने के आइटम भी हैं, पीतल के और तांबे के आइटम भी हैं, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी, और इसमें कोतवाली TI श्री चन्ना साहब तथा उनकी टीम द्वारा अथक जब से 18 तारीख से लग के जो है मेहनत की गई है, इसीलिए 6 चोरियां पूर्व की हमारी बरामद हुई।